आज बसंत पंचमी के दिन लगभग सभी शिक्षण संस्थानों में माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जा रही है। माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं, इसलिए आज का दिन विद्यार्थियों के लिए बेहद ही खास होता है। बिहार में बसंत पंचमी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। ऐसे में पटना के जक्कनपुर साइंस या क्लासेस में भी सरस्वती पूजा मनाई गई। शिक्षण संस्थान को खूबसूरती से सजाया गया तथा बच्चों में सरस्वती पूजा को लेकर काफी उत्साह दिखा। आइए सुनते हैं यहाँ के छात्रों से कैसा है उनका इस बार के बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा का अनुभव। इस बार इंडियन कल्चर के थीम पर रखा गया, क्योंकि भारतीय संस्कृति आप जानते हैं सबसे लोकप्रिय संस्कृति है, तो संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हमारी कोचिंग का इस बार थीम भी भारतीय संस्कृति पर ही है और इसको बनाने में बहुत दिनों की मेहनत लगी है। कितने दिनों लगा? कम से कम दो तीन कोविड का भी समय चल रहा है, तो किस तरह आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से, भीड़ नहीं लगाया जा रहा। हर 5 मिनट में आपको सुनाई देगा कि यहाँ पर भीड़ नहीं लगाना है, कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करना है। उसमें तो हर साल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, इस बार भी बहुत अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। थोड़ी सी कमी खल रही है कि उतना ज़्यादा डीजे सब जो होता था, बहुत ही धार्मिक गाने बजाए जाते थे, तो वो सब कुछ हम लोग मिस कर रहे हैं। लेकिन सरस्वती पूजा है और हर साल की तरह यहाँ पे अच्छे तरीके से ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमारे मन में भी कुछ ये नहीं रह गया कि नहीं हम लोग सरस्वती पूजा में इस बार आ नहीं पाए। ठीक है, हम लोग को पढ़ा हुआ यहाँ से काफी साल हो गया है, लेकिन हर साल हम लोग यहाँ जरूर आते हैं। माँ से आपने क्या मांगा? माँ से हम लोग बस यही मांगते हैं कि वो अपनी कृपा बनाए रखे हमेशा की तरह, और वही है कि विद्या देवी कहलाती है और हम लोग को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। विगत हम लोग 25 साल से बिठा रहे हैं, इस बार हम लोग लड़का को एकदम मिलन से मिलन सोचे हैं कि आप आइए मास्क लगा करके और आइए और तुरंत पूजा कीजिए, एक आगे सेल्फी लेना लीजिए और घर जाइए। कहा जाता है कि बाकी जगह से आप एक अलग और खास मास में यहाँ सरस्वती पूजा मनाया जाता है। हाँ, इसका कारण है कि यहाँ के जो लड़के लोग हैं संजय सर हुए, मीरा सर हुए, हमारे और भी लड़के लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, वो लोग थोड़ा योगदान देते हैं यहाँ, हमारे यहाँ से गए हैं लड़के लोग, इसके कारण थोड़ा सा सहयोग हम लोग अच्छा मिल जाता है। तो हमारे स्टूडेंट्स और हमारे दोस्त लोग जो हैं और हमारे सर हैं सुजीत सर, उनके द्वारा बनाया गया और कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सारे इंतजाम जो किए हैं सब कुछ जो किया है सब कुछ कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार किया है, और जो भी हुआ हो रहा है और आप देख ही रहे हैं कि मतलब ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, जितना कहा गया है सरकार के अनुसार वैसा हम लोग कर रहे हैं। इंडियन कल्चर यहाँ साइंसिया जो है हर बार एक हर तरह का एक नया थीम लाती है और उसका हर थीम में अलग अलग दृश्य दिखाया जाता है, और इस बार जो हम लोग का थीम था इंडियन कल्चर और इंडियन ट्रेडिशन को लेके उसको आगे बढ़ावा दिया जाए, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे थॉट्स भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो थॉट्स के अनुसार भी जो है लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कोई थॉट्स देख रहे हैं तो वो भी पसंद कर रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि साइंसिया जो है पूरे जक्कनपुर का जो है सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया जो है यहीं पे जो पूजा होता है। और हम लोग तो सरस्वती पूजा लगभग 20 वर्षों से करते आ रहे हैं और 20 वर्षों से ऊपर ही हो चुका है, बट आई थिंक 21 ईयर्स इट इज। और ये है कि थीम हमारा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब हमारा देश जो है बहुलताओं से विभिन्न प्रकार के भाषा, जाति, धर्म, समुदाय, संस्कृति, रीति रिवाज से भरा हुआ है, बहुल्य है ये, और इस अलग अलग चीजों को भारत एक साथ अपने में संजोए हुए, शायद विश्व में ये पहले एक ही मात्र राष्ट्र है जिसमें इतनी भिन्नताएं होती हैं और फिर भी ये एक है आज तक, तो उसी यूनिटी को हमने फोकस किया है कि वास्तव में अगर हम राष्ट्र प्रेम करते हैं तो हमें बिना किसी भेदभाव के, बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे, बिना क्षेत्र देखे,
बिना रीति रिवाज देखे प्रत्येक भारतीय को, हर एक आदमी जो कि इस भारत में निवास करता है वो भारतीय है, और प्रत्येक भारतीय को एक समान उदार भाव से देखें, समान दृष्टिकोण बनाएं। इसके लिए हमने इंडियन कल्चर जो कि बहुत विरासत में हमें मिला हुआ है, उस कल्चर को हमने, हमारे बच्चों ने उसका पोर्ट्रेट बनाया है, डिफरेंट स्लोगन्स दिया है, बच्चों ने स्वयं लिखा है, और हमारे पंडाल को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये पूरा का पूरा यूनाइटेड इंडिया को फोकस किए हुए है। विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश है? विद्यार्थियों के लिए तो संदेश यह है कि जिस प्रकार अभी जो है इतना जोश से, इतना मन लगाकर सुबह शाम दिन रात मेहनत करके इतना काम किए हैं दुनिया को दिखाने के लिए, तो दो तीन दिन माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए ये इतना मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा तो संदेश यह है कि 365 दिन माँ सरस्वती जो कि उनके कलम में है, उनके जिह्वा में है, उनके मस्तिष्क में है, उनके स्वभाव में है, उसको पूरे 365 दिन बरकरार रखें, यही